قسمتني يا دوب حتى استقام وصرتني يا طل صرت الغمام كشفت المواهب في كل شخص فسرت فتاة وشكل تسامى وصرت جاسرا على الدار ألقي الخطوب بصبر وألقي السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. वेलकम टू द यूथ इशूज़ शो. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे इशूज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आज जो हमें सवाल आया है एक पेरेंट की तरफ से और वैसे भी बहुत सारे लोगों से सवाल आता है, हम देखते रहते हैं. वो सवाल ये है कि वो अपने बेटे को जो सेकेंड ईयर कर रहे हैं उन्हें जामिया इस्लामिया मदीना, जो मदीना यूनिवर्सिटी है सऊदी अरेबिया में, जामिया इस्लामिया जिसे कहते हैं, उसके अंदर एडमिशन लेने के ताल्लुक से वो सवाल कर रहे हैं कि उसका तरीका क्या है. तो आइए इसका जवाब हम आपको सीधा ले चलते हैं मदीना. मदीना से हम आपको इसका जवाब इंशाल्लाह ताला देंगे. तैयार हो जाइए मदीना की सैर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह. मदीना से शेख अब्दुल सत्तार मदनी, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी के ही स्कॉलर हैं, पढ़े हैं वहाँ से और अब रहते भी मदीना में हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो वहाँ के स्कॉलर भी हैं और मदीना में रहते हैं. वो आपको बताएंगे कि मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या तरीका है, क्या करना चाहिए आपको. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो जो लोग मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को आसान कर दे और अल्लाह ताला वहां पर उनके बच्चों को आलिम बनाए और दीन का काम उनसे ले. चलिए चलते हैं मदीना और वहां से आपको इसका जवाब मिलता है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. ये हम लोग यूथ केयर के जो इंक्वायरीज आए हैं, जो दिलचस्पी आए हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया जो मदीना में है, उस बारे में हम लोग आपको मालूमात देने यहाँ आए हैं. अब ये हम लोग मदीना सिटी से जामे इस्लामिया कहते हैं ना इसको अरबी में, जामे इस्लामिया की मेन गेट पे आए हैं. आपको मेन गेट नज़र आ रही है और हम यहाँ पर एक हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे शेख, शेख अबू ज़क़वान आपको सारे मालूमात बताएंगे जो आप चाहते हैं एडमिशन वगैरह के सिलसिले में. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. तो हम लोग अब जामिया पे पहुंच चुके हैं और आप शायद स्क्रीन पे देख रहे हैं जामिया की गेट है, ये मेन गेट है जो शहर से जब आते हैं लोग इसी से दाखिल होते हैं और इसके बहुत सारे दूसरे भी गेट्स हैं और बहुत बड़ा एरिया है इसका. इस वक्त हम ज़्यादा टाइम हमारे इंट्रोडक्शन में नहीं देंगे बल्कि हम हमारे शेख अबू ज़क़वान से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो आप लोग को जो मालूम चाहिए यूथ केयर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों को यहाँ के मालूम फराहम करने की, उस बारे में आपको वो समझाएंगे. आप लोग इसको देखें और इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो जाएं, इंशाल्लाह आप लोग इसमें कामयाब हो जाएं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह. जामिया इस्लामिया जिसको मदीना यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और इस्लाम की ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया, और यहाँ मुझे जामिया इस्लामिया का जब नाम ले रहा हूँ तो मुझे याद आ गया है कि जो जामिया इस्लामिया के जो सबसे पहले जिन्होंने जामिया इस्लामिया से डिग्री ली थी वो इंडिया के थे गालबन शेख हफीज़ रहमान नौमान उनका नाम था, वो इंडिया के थे माशाल्लाह. तो ये जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी जो कि 1961 अक्टूबर के अंदर इसकी इब्तदा हुई थी 1961 के अंदर. तो यहाँ मुख्तसर तारफ़ जामिया इस्लामिया का, मदीना यूनिवर्सिटी का आप तो काफ़ी मिल सकता है काफ़ी जगहों से भी. हम चाहेंगे कि जो के पुरमगज़ और अच्छा जो मुख्तसर हो इसके तारफ़ या इसके बारे में एडमिशन के बारे में जो शेख आरफ़ सैयद आरफ़ साहब ने, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उन्होंने कहा है. तो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के नीचे होगा वो बता देंगे. अगर वो आपको ना मिले फिर भी तो आप जस्ट गूगल खोलें और गूगल के अंदर लिखें एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी, एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी. तो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना बहुत आसान कर दिया इन्होंने. पहले तो होता था कि
ख़ुद वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे, जैसे मैंने भी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था 1996 के अंदर, मैं यहाँ पे आया था 95 के अंदर, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजने बहुत मुश्किल होते थे। तो अभी तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, एडमिशन वहाँ पर ओपन करें, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, चूँकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको भी पता है कि जो अभी रिसर्च हुई है पूरी दुनिया के अंदर ये पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी आई है कि जो जिसके अंदर ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग पढ़ते हैं, गालिबन 170 के करीब यहाँ पे नेशनलिटी के लोग पढ़ते हैं और दुनिया में ये पहले नंबर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी है। तो जब इतनी नेशनलिटी के लोग पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने वो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर वो वेबसाइट बनाई हुई है, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर, हिंदी के अंदर, बंगाली के अंदर वेबसाइट, वहाँ एडमिशन में आप डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। वहीं पे लिंक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एडमिशन न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले ही JPG फाइल के अंदर आप उसको फ़ोटो के अंदर रखें, PDF के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं लेते। तो वहाँ पर इसकी शरायत क्या हैं, आपके पास इंडिया या पाकिस्तान या जहीं से जहाँ से भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको वहाँ का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट कार्ड है जहाँ से जो इंटरमीडिएट का है वो होना चाहिए और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और फिर पासपोर्ट की कॉपी और आपकी फ़ोटो और फिर साथ साथ एक लफ्ज़ जिसको हम तज़किया बोलते हैं। तज़किया ये होता है कि वहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं वो आपके करेक्टर के बारे में लिखें कि ये बंदा ठीक है, दो शख्सियात का, दो पर्सनैलिटीज़ का वो आपको तज़किया चाहिए होता है। तो फिर आप वहाँ पे सबमिट करें, जो एडमिशन होता है जुलाई के अंदर ये अनाउंस करते हैं कि किस किस का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। ये मदीना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो सहूलियात हैं साल के अंदर एक वन टाइम जो है वो टिकट, रिटर्न टिकट दी जाती है और फुल स्कॉलरशिप पे यहाँ पे एडमिशन होता है। 850 रियाल मंथली स्कॉलरशिप मिलती है और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हॉस्टल है और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और फिर यहाँ से बसें आपको डेली हरम मस्जिद नबवी की नमाज़ पढ़ाने के लिए लेकर जाती हैं और यहाँ पे आप एडमिशन लें। बहुत आसान है अपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने, जमा कराने, तो भेजें। ये मदीना यूनिवर्सिटी इस्लाम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजें, हमारे इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और देख कर अपने दोस्तों को आगे भी पहुँचाएँ। तो ये मेरी दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देखकर डॉक्यूमेंट्स भेजे उनके अल्लाह ताला उनका करे कि मदीना में वो आएँ, उनका दाखिला हो। यहाँ एक और छोटी सी बात ये समझ लें कि जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको आपकी फ़ाइल का एक नंबर मिल जाएगा और नंबर मिलने के बाद वहाँ पर एक होता है बटन इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए वो बटन जो होता है, बाज़ लोग पूछते हैं जी ये इंटरव्यू का मतलब क्या है, क्या हम इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं? ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता, ये इंटरव्यू का बटन उन लोगों के लिए है कि अगर उन्होंने अपनी जो फ़ाइल है सबमिट कर दी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो अल्लाह ताला ने उसके बाद उनको मक्का मदीना उमरा करने का मौका दिया है, तो यहाँ आकर फिर वो बटन पर क्लिक करके वहाँ से इंटरव्यू का फॉर्म वो डाउनलोड करके यहाँ पर आके वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये इसलिए है। अल्लाह सुबहानहु व तआला आप सबका हामी नासिर हो, आपको मदीना लेकर आए, आपको एडमिशन हो। सैयद आरफ साहब से गुजारिश है कि अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। शेख, हम आपसे ये पूछेंगे, जब यहाँ 170 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ आते हैं तो क्या एक कॉमन लैंग्वेज अरबी में सब लड़के बात करते हैं आपस में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ का माहौल इतना प्यारा माहौल होता है, मैंने तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं ख़ुद भी पढ़ा हूँ, इतना प्यारा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। नमाज के अंदर हमने बहुत कम देखा है कि दो लड़के एक नेशनलिटी के खड़े हों, एक नाइजेरी है, एक अमेरिकन है, फिर यूके से है, फिर पुर्तगेज़ी है, फिर फ्रेंच है, फिर पाकिस्तानी है, फिर इंडियन है, इस तरह की सब बनी होती है। और जिस तरह वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज़। इतना प्यारा माहौल होता है, स्पेशली तौर पर आप बिलीव करें
कि जब इम्तिहानों के दिनों में हम मस्जिद के अंदर बैठकर जब हम सुबह एग्ज़ाम के लिए मुताला करते थे तो इतनी नेशनलिटीज़ के लोग बैठे होते थे और आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो ज़ाहिर है अरबी के अंदर गुफ्तगू करते हैं किसी और नेशनलिटी के साथ, किसी को अगर अरबी नहीं आती तो वो फिर ज़ाहिर है फिर जिसको वो ज़बान लैंग्वेज आती होती है, वैसे यहाँ पे मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक को अरबी आती है क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने एग्ज़ाम देना होता है तो इसलिए एग्ज़ाम अरबी के अंदर ही होता है तो इसलिए अरबी के अंदर बात की जाती है। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيظل ينابع وارد